अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी आज की क्लास में हम अगले फोर टूल जो होंगे कवर करेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जी आज हम जो कवर करेंगे टूल वो है, सबसे पहले आएगा पेन टूल। जी पेन टूल बहुत ही ज़बरदस्त टूल है। इसके साथ हम कोई भी इमेज को कॉपी कर सकते हैं, यानी कि उसको पेन टूल के साथ ड्रॉ करके उसको उसकी वैसी एज इट इज़ कॉपी यानी कि कर सकते हैं इमेज को, और हम अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी इमेज ड्रॉ कर सकते हैं पेन टूल के साथ। चले आए, यहाँ पर मैंने एक क्लिक किया, क्लिक करने के साथ मैंने ऊपर लेके गई हूँ और लाइन एक सीधी बन गई है। तो ऐसे ही करती जाऊँगी और देख सकते हैं आप ये कितना ज़बरदस्त है। और नीचे से मैं जाऊँगी यहाँ पे पॉइंट के साथ पॉइंट ऐड करूँगी, और जैसे ऐड करूँगी इसको मैं क्लिक एंड ड्रैग कर दूँगी और ये कर्व बन जाएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज़ करूँगी, और ये जो कॉर्नर पॉइंट है उसका जो पॉइंट है मैंने पॉइंट को ऊपर लेके गई हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ, ठीक है। और यहाँ पे ऐड एंकर पॉइंट आता है, इसके साथ हम कोई भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ऐड, के साथ हम कोई भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं इसके साथ। और यहाँ पे डिलीट एंकर पॉइंट है, हम इसके साथ डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो आता है ये आता है एंकर पॉइंट कवर टूल है, ये कर्व करता है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। चले ये तो पेन टूल हो गया। हम पेन टूल कैसे यूज़ करें, पहले आते हैं हम फाइल्स की तरफ। यहाँ पे फाइल है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप कोई भी अपनी पीसी में जो इमेज होगी डाउनलोड की होगी वो हम इसमें निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने डाउनलोड की ये एक पिक्चर, इसको ऐसे करके इसके यहाँ की यानी कि इस सॉफ्टवेयर पे ले आऊँगी, और यहाँ पे पेन टूल मैं यूज़ करूँगी। इसके साथ मैं एज इट इज़ ऐसे ही कॉपी कर सकती हूँ इमेज को, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, मैं पेन टूल के साथ ऐसे इमेज को कर रही हूँ। यहाँ पे क्लिक करके उसको आगे जो करना है तो ड्रैग करना है, क्लिक एंड ड्रैग प्रेस किए रखना है आप लोगों ने। और मैंने एक वीडियो पेन टूल के हवाले से अपने पुराने चैनल में अपलोड की हुई है, मैं उसका लिंक यहाँ पे मैं पॉइंट यानी कि इसको जूम करती हूँ। जूम करने के लिए हमें कंट्रोल प्लस हमने करना है, तो इसके साथ हम जूम कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के साथ ही इसको ड्रैग करना है। ड्रैग करेंगे तो आपका ये जो हैंडल्स है ये इसको यानी कि हैंडल बन जाएगा, यानी कि वो कर्व हो जाएगी। जितना आप यानी कि क्लिक एंड ड्रैग करेंगे उतना ही आपको कर्व डाला जाएगा। यहाँ मैंने आप लोगों को बता रही थी कि मैंने एक वीडियो बनाई है पेन टूल के हवाले से, तो उसमें यानी कि सही तरीके से आपको पेन टूल के का कवर किया जाएगा वहाँ पे। तो आप लोग वो मेरी वीडियो लाजमी देख लीजिएगा, मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे दूंगी, आप लोग उसको भी लाजमी देखिएगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए। तो ये देख सकते हैं मैंने ऐसी यानी कि इसकी जो स्माइल है ये बनाऊंगी। और यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ हमसे यहाँ पे गलत बन गई है, हमें ऐसा नहीं करना, तो आप लोगों ने कंट्रोल जी जो मैंने आप लोगों को बताया था कि पीछे जाने का है की जो है, तो हम इसके साथ बैक भी जा सकते हैं। तो बैक थोड़ा सा चले जाएंगे तो ऐसे करके आप लोग दे सकते हो। मैंने इसको यानी कि यहाँ पे बना लिया इसकी स्माइली फेस, जो यानी कि स्माइल है इसकी बहुत ही ज़बरदस्त स्माइल है ना, तो आप देख सकते हो। और जी यहाँ पे हम ऐसे करके क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, मैं बैक जा रही हूँ फिर, और ये ऐसे करके इसकी स्माइल बन जाए। और ये मैं कंट्रोल प्लस माइनस के साथ इसको यानी कि जूम इन कर देंगे। आप लोग इसमें कलर कर सकते हो, इसमें हम वाइट कलर कर देंगे उसके डोर्स में, ये देख सकते हैं आप लोग। ये आप लोग देख सकते हो मैंने इतनी ज़बरदस्त सी उसकी आइज वैसी ही ड्रॉ कर ली है। जो बाकी तरीका है वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। आगे हम चलते हैं दूसरी तरफ, अगले टूल्स की तरफ। पेन टूल जो है ना बहुत लंबा चौड़ा काम है, आता है कर्व टूल। ये हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ना तो ये खुद ब खुद कर्व डाल देगा उसको, ये ऐसे करके। ये देखिए मैं एक क्लिक करती हूँ, दूसरी क्लिक करती हूँ ना तो वो कर्व खुद ही ब खुद आ जाएगी उसके ऊपर। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे आप कर्व टूल, यहाँ पे आता है जो है टाइप टूल। ये ज़बरदस्त टूल्स हैं इसके,
तो यहाँ पे मैं पहला टाइप टू लेती हूँ और यहाँ पे मैं कोई भी वर्ड लिख देती हूँ हेलो का, और यहाँ पे आप लोगों को करेक्टर्स है, यहाँ पे आप लोग अपने मतलब के फाउंड जो है अपने मर्जी के साथ आप फाउंड ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक ड्रॉ कर लूँगी, यहाँ पे पाथ पे जाके आप लोग ने क्लिक करना है, तो ये ऐसे करके आप लोग ही हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर लिखा हुआ आएगा, ये आप देख सकते हो। और इसको मैं साइड पे कर लूँगी, और यहाँ पे ये वाला जो टूल है, एक मैं फिर ट्रायंगल बनाती हूँ। बनाने के बाद में इससे अगला लेते हैं हम टूल, पाथ पे हम क्लिक करेंगे और ये लाइन के ऊपर ये लिखा हुआ आएगा हमारा, ये देख सकते हैं आप लोग। इसको मैं साइड पे कर देती हूँ। अब कोई भी यानी कि बना रहे हो कोई न्यूज़ के बारे में आपने लिखना है और उसको करना है, यानी कि कोई पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हो, तो उसमें ये जो चीज़ें हैं ये बहुत काम आती है। ठीक है, ट्रायंगल बनाती हूँ, और ये जो है हम एक बार कहीं भी क्लिक कर देंगे ना, तो ये लाइन यानी कि लाइन बाय लाइन आएगा। इसके साथ हम सेलेक्ट टूल यूज़ करेंगे और इसको एक साइड पे कर देंगे। ये जो है वर्टिकल एरिया टूल है ये, तो इसके ऊपर हम ये वर्टिकल लाइंस में आएगा लिखा हुआ। ठीक है, तो इसको हम साइड पे कर लेंगे। इसके साथ हम ज़्यादा ऐसे भी कर सकते हैं बट, और यहाँ पे आता है दूसरा, ये क्या करता है, ये वर्टिकल टूल है, वर्टिकल टाइप होना पाथ टूल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लाइंस के, जैसे ये लाइन होगी ना, लाइन के अंदर यानी के लाइन के ऊपर लिखे हुए वर्ड आएंगे ऐसे करके टूल, तो ये हमारा बहुत ही काम आता है लाइन टूल। हम किसी भी कोई चीज़ में लाइन लगाने में क्लिक करके उसको ड्रैग करना है, क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, तो और मैं यहाँ पे उसकी स्ट्रोक बढ़ा देती हूँ, और ये लाइन टूल है, इसके साथ हम कोई भी लाइन कर सकते हैं। बाकी जो टूल है इसमें इतना खास नहीं है, मैं आपको ये लाइन ये कर्व टूल की तरह है थोड़ा सा जी, ये बाकी जो तीन टूल है वो इतने इतने हैं नहीं है, बट ये ऐसे क्या है, ये हमारे कोई भी काम की चीज़ें हैं, क्लिक करके आपने ड्रैग करना है तो वो शेप बन जाएगी आप लोग। ठीक है, चलो अगली क्लास में हम मिलते हैं। अगली क्लास में हम पेन पेंट ब्रश टूल करेंगे, और आज की क्लास में अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मेरी वीडियो को लाइक भी लाजमी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। आज की क्लास यहाँ पे होती है ख़त्म, अगली क्लास में मिलते हैं, आज के लिए अल्लाह हाफिज़।